और एंड गैस गैस सब लोग आशा करते बहुत बड़े होंगे। सो वीडियो में ट्रेडर एडिटिंग सिखाएंगे, 3D वाला फुल स्क्रीन ट्रेडर एडिटिंग सिखाएंगे। सो गैस ऑलरेडी मैंने उसको बहुत दो वीडियो बनाया था, आप लोग नहीं देखा तो देख लेना, उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज आप लोग जो मैं 3D वाला ट्रेडर एडिटिंग सिखाऊंगा, कुछ अलग टाइप का 3D ट्रेडर एडिटिंग सिखाएंगे। और इसके अंदर जो मैं ऑडियो यूज़ किया हूँ आज, तो न्यू ट्रेंडिंग सॉन्ग है, तो स्टेप का ट्रेडर्स खुद के फोटो से भी बना सकते हो। और गैस वीडियो को ध्यान से देखो स्टेप का ट्रेडर्स बनाने के लिए। वीडियो में जो कुछ मेटेरियल्स करूंगा सभी का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल में आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे ना वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बाल का बेल आइकन है उसको प्लीज ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि यूट्यूब ठीक से नोटिफिकेशन भेजता नहीं। मुझे कल एक भाई कमेंट करके बोल रहा था चैनल को सब्सक्राइब करके जो बाल का बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर देना, मत भूलना ठीक है। सो गैस हम बिल टू अपलोड दिले बिल टू एम टे, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके ऑलराइट गाइस, आप लोग स्टेप का ट्रेडर एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोग के फोन के अंदर जो एलमोशन ऐप है उसको लोग ओपन करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन हो जाए बिना ऑटो मार्क अपडेट वर्जन एपीके का लिंक मिलेगा पिन मार्क मेरे टेलीग्राम चैनल में, तो लोग सिंपली टेलीग्राम पर जाकर एलमोशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर डिटेल बनाने के लिए जो मैं प्रोजेक्ट यूज़ करूँगा सारे मेटेरियल का लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल में, तो आप लोग सारे मेटेरियल को डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी एलमोशन को ओपन कर लिया गाइस, उसके बाद सिंपली मैं जो काम करूँगा इस प्लस आइकन में टच करूँगा, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को रेशियो सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जो पेन आइकन सेलेक्ट करके रखो तो पेन आइकन में सेलेक्ट कर देना, उसके बाद 1080 2360 और 60 fps में रख के हम लोग ब्लैक स्क्रीन रख के केयर प्रोजेक्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। मैंने कर दिया, करने के बाद सिंपली आप लोग जो काम करोगे प्लस आइकन में टच करोगे, उसके बाद सिंपल इमेज एंड वीडियो पे जाओगे, उसके बाद ऑल व्यू पे जाना, ऑल व्यू पे जाने के बाद आप लोगों को एक फोटो को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो मैं फोटो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल में, तो फोटो को ऐड कर लेना। मैं फोटो को ऐड कर लिया, करने के बाद सिंपली जो काम करेंगे फोटो को फुल स्क्रीन में लेंगे, तो 3 डॉट पर टच करेंगे ऊपर, उसके बाद फुल स्क्रीन कर देंगे, तो फुल स्क्रीन हो चुका है। उसके बाद ठीक से स्क्रीन के हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे, तो मूवमेंट टच पर जाएंगे, उसके बाद सिंपली हम लोग ऐसे करके थोड़ा सा और भी ले लेंगे इससे, ठीक है हम लोग ऐसे करके ले लेना। लेने के बाद इसको डन कर दीजिए, उसका सिंपली यहाँ पे ऑडियो ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग जिस ऑडियो से ट्रेडर्स बनाएंगे उस ऑडियो को सिलेक्ट कर लेंगे, प्लस आइकन में टच करेंगे, ऑडियो पे टच करेंगे, उसके बाद ऑल व्यू पे जाएंगे, ऑल व्यू पे जाने के बाद मैं ऑडियो को सिंपली गाइस सिलेक्ट करूँगा, तो आप लोग इस ऑडियो का लिंक भी मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने ऑडियो को ऐड कर लिया गाइस, उसके बाद सिंपली आप लोग को जितना तक ऑडियो उतना तक आप लोगों को लेना पड़ेगा फोटो लेगा, तो इतना तक ऑडियो लेयर है तो हम लोग इतना तक लेंगे फोटो लेकर, तो हम इसको डन कर देते हैं। उसके बाद सिंपली फोटो लेयर पर टच करेंगे, उसका सिंपली इस आइकन में टच करके इसको हम लोग इतना तक ले लेंगे, एक बार क्लिक कर देना चला आ जाएगा जितना तक ऑडियो है, ठीक है हम लोग इसको इतना तक ले लिया। लेने के बाद अभी हम लोग जो काम करेंगे गाइस, सिंपली हम लोग इसके अंदर एक एनिमेशन सिलेक्ट करेंगे फोटो के अंदर, तो कैसे फोटो के अंदर एनिमेशन सिलेक्ट करेंगे, फोटो लेयर पर टच करेंगे गाइस, उसके बाद सिंपली हम लोग जो 36 है तो सिंपली हम लोग इसका आधा पॉइंट हम लोग लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसका आधा ले लेंगे 18, ठीक है इतना तक 18:24 लिया, उसके बाद सिंपली यहाँ पे एक प्लस आइकन दे देंगे, यहाँ पे एक बीट मार्क कर दिया जैसे, तो उसके बाद सिंपली हम लोग फर्स्ट तरह फिर से आ जाएंगे, उसके बाद मूवमेंट टच पे चार्ज करना, उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पे की आइकन दे देना, जो की आइकन को प्लस आइकन बोलते हैं उसको हम लोग क्लिक कर देना, तो मैंने एक बार कर दिया। करने के बाद सिंपली आप लोग जो काम करोगे सिंपली एरो में एक बार टच कर देना, उतना तक चले जाओगे, उसके बाद सिंपली आप लोग ऐसे करके स्लाइड करके लेकर जाना पड़ेगा, तो आप लोग ऐसे करके धीरे धीरे करके स्लाइड करके लेकर आना, मैं इसको धीरे धीरे करके स्लाइड करके ले जाऊंगा, ठीक है आप लोग लेफ्ट से राइट तरफ ले जा सकते हो और लेफ्ट से भी राइट तरफ ले सकते हो, जिस साइड ले जा रहे हो उस साइड लेना पड़ेगा, ठीक है तो हम लोग राइट से लेफ्ट तरफ ले जा रहे हैं, तो आप लोग जिस साइड लेना चाहते हो ले सकते हो, तो मैं इसको ऐसे करके स्लाइड करके लेकर जाऊंगा, ठीक है उसके बाद सिंपली लास्ट तरफ चले जाएंगे इशारों में टच करके, मैं आ गया, आने के फिर से हम यहाँ पे की दे देंगे, तो मैंने इस पर एक बार प्लस सेकंड में टच कर दिया, की लग गया, उसके धीरे धीरे फिर से हम लोग इसको स्लाइड करके ऐसे करके लेकर जाएंगे, मतलब ऐसे करके स्लाइड करते जाना, ठीक है इसको ऐसे करके हम लोग स्लाइड करते जाएंगे, ठीक है ऐसे करके आप लोग कर लेना धीरे धीरे करके, तो मैंने कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद आप लोगों को देख सकते हो इसके अंदर एक इफेक्ट ऐड हो चुका है, देख लीजिए इसके अंदर ऐसे करके स्लाइड मूवमेंट आ जाएगा एनिमेशन सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद सिंपल जो काम करना पड़ेगा अभी प्लस आइकन में फिर से टच करना पड़ेगा, उसके बाद सिंपल आप लोग इमेज एंड वीडियो पे जाना, उसके बाद ऑल व्यू पे जाना, ऑल व्यू पे जाने के बाद अभी आप लोगों को जो काम करना पड़ेगा गाइस सिंपल आप लोगों को एक इफेक्ट पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा, सॉरी इफेक्ट वाला पीएनजी को, तो आप लोग पीएनजी को ऐड कर लेना, मैं पीएनजी को ऐड करूँगा सिंपली, तो मैं पीएनजी को जस्ट ऐड कर लेता हूँ आप लोगों के सामने, मैं ऐड करूँगा सिंपली पीएनजी को गाइस, तो मैं पीएनजी को सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद सिंपली इसको फुल स्क्रीन कराएंगे, इस 3 डॉट पर टच के इसको फुल स्क्रीन कर दिया, करने का जितना तक वीडियो उतना तक इसको भी ले लेंगे, तो लास्ट तरह वीडियो का आ गया।
आने के बाद सिंपली इसको भी इस आइकन में टच करके इसको भी ले लिया। लेने के बाद सिंपली इसके अंदर भी हम लोग एक की देंगे एनिमेशन, ठीक है। तो हम लोग कैसे देंगे, और सिंपली हम लोग इसको सबसे पहले मूवमेंट टच पर जाएंगे, जाने के सबसे पहले इसको एक साइड हम लोग ऐसे करके एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग एडजस्टमेंट करते जाना, ठीक है। हम लोग ऐसे करके इसको एडजस्टमेंट करेंगे, ऐसे करके एक बार हम लोग इसको राइट से लेफ्ट तरफ ले जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर रखा, रखने के बाद सिंपली यहाँ पे एक प्लस आइकन देंगे, उसके बाद इस एरो में एक बार टच कर देंगे, जहाँ पे हम लोग की दिया था मतलब बीट आइकन वहाँ पे हम लोग आ गया। उसके बाद सिंपली ऐसे करके हम लोग इस पर प्लस आइकन दे दिया, देने के बाद सिंपली इसको भी हम लोग ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे राइट से लेफ्ट से राइट तरफ, ठीक है। ऐसे करके हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके हम लोग कर लेना, फोटो एक साइड से आएगा, वीडियो इमेज भी एक साइड से आएगा, ठीक है, दूसरे साइड से। ऐसे करके हम लोग कर लेना, मैंने कर ले, करने के सिंपली फिर से हम लोग एरो में टच कर देंगे, लास्ट तरफ चले जाएंगे, उसके बाद सिंपली यहाँ पे एक प्लस आइकन दे देंगे, उसके बाद फिर से हम लोग इस पीएनजी को ऐसे करके स्लाइड करके ले जाएंगे। तो लोग ऐसे करके स्लाइड करते रहना, ठीक है, धीरे धीरे करके कर लेना गाइस। उसके बाद आप लोगों को जो करना पड़ेगा मैं बताता हूँ, ध्यान से वीडियो को देखिए। तो ऐसे करके स्लाइड कर लेना, मैंने इसको ऐसे करके स्लाइड कर लिया, देख सकते हो एक साइड से आएगा कुछ एक और आएगा फोटो, मैंने कुछ पीएनजी एक साइड से आएगा और वीडियो एक साइड से आएगा, ठीक है, दोनों साइड से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सिंपली ऐसे करके आप लोग एनिमेशन इन दोनों के अंदर दे देना पड़ेगा। देने के बाद सिंपली अभी आप लोगों को एक बारिश वाला वीडियो को ऐड करना पड़ेगा इफेक्ट, तो प्लस आइकन में टच करिए, उसके बाद इमेज एंड वीडियो बजाइए, उसके बाद वॉलपेपर बजाइए, वॉलपेपर जाने के बाद आप लोगों को एक वीडियो को ऐड करना पड़ेगा बारिश इफेक्ट वाला को। तो मैं बारिश इफेक्ट वाला वीडियो को सिंपली ऐड कर लूँगा, मैं बारिश वाला वीडियो को ऐड कर लिया। करने के सिंपली इसको फुल स्क्रीन करेंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे, जाने के बाद सिंपली इसको फिल स्क्रीन कर देंगे, उसके बाद सिंपली इसको हम लोग ब्लैक स्क्रीन को हटाएंगे। उसके लिए सिंपली हम जहाँ पे जाएंगे ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, उसके बाद सिंपली लाइटिंग, उसके स्क्रीन, उसके बाद सिंपली इसका ऑडियो जो है इसको म्यूट कर देंगे, ऐसे करके म्यूट कर देंगे। उसके बाद सिंपली देख सकते हो हम लोगों का ब्लैक स्क्रीन हट चुका है, वीडियो का इफेक्ट भी लग चुका है। उसके बाद सिंपली हम लोग इसको डन कर देना पड़ेगा, उसके बाद सिंपली पीएनजी के नीचे ऐसे करके ले लेना पड़ेगा, ठीक है, इसको ले लेना। उसके बाद जितना तक हम लोग का वीडियो चाहिए उतना तक हम लोग लेंगे, तो लेयर के ऊपर टच करिए बारिश वाला जो वीडियो है, उसके बाद सिंपली बॉक्स अंदर टच करिए, उसके बाद कॉपी लेयर कर लीजिए, उसके बाद सिंपली इसको फिर से बॉक्स में टच करके इसको पेस्ट लेयर कर दीजिए। जैसे तो इसका लेयर एक पेस्ट हो चुका है, उसका एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोग ऐसे करके लेयर के ऊपर टच करके सेकंड में टच करके कट कर देंगे। उसके सिंपली इसको भी प्रेस करके पीएनजी के नीचे लेकर आ जाएंगे, देख सकते हो तो अंदर चला गया वीडियो। उसके बाद सिंपली आप लोग को और एक वीडियो को ऐड करना पड़ेगा बार्ड वाला वीडियो को, तो फिर से हम लोग प्लस आइकन में टच करेंगे इमेज वीडियो, उसके बाद ऑल व्यू, उसके बाद सिंपली हम लोग एक बार्ड वाला वीडियो को ऐड कर लेंगे। तो सिंपली मैं बार्ड वाला वीडियो को ऐड कर लूँगा, मैंने कर लिया। करने का सिंपली इसका ग्रीन स्क्रीन को हटाना पड़ेगा, उसके लिए कहाँ पर जाओगे आप लोग, जहाँ पर जाओगे सिंपली इफेक्ट पर जाना, उसके बाद सिंपली एड इफेक्ट पर जाना, उसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे कोमा की सर्च करना, कि सर्च करना का कोमा की ऐसे करके सर्च करना तो आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो कोमा की आ चुका है, उसके बाद सिंपली इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे टच कर देंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे जो ग्रीन है हट चुका है, और इसका ट्रेन इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना पड़ेगा ऐसे करके, तो इसको थोड़ा सा आप लोग इंक्रीज़ कर लेना, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके इंक्रीज़ कर रहा हूँ आप लोग के सामने, थोड़ा सा आप लोग कर लेना। करने के बाद सिंपली इसको डन कर दीजिए, उसके बाद सिंपली आप लोग जहाँ पे जाओगे मूवमेंट टच पे जाना, जाने के बाद इस आइकन में टच करके थोड़ा सा इसको ऐसा करके छोटा कर लेना। करने के बाद सिंपली इस आइकन में टच करके राइट साइड में ऊपर, उसके बाद सिंपली ऐसे करके प्रेस करके इसको यहाँ पे आप लोग रख देना, मैं इसको यहाँ पे रखूँगा गाइस ऊपर से, ठीक है, पेड़ के आसपास, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम लोग इसको डन करेंगे, उसके बाद सिंपली हम इसको पीएनजी के नीचे लेकर आ जाएंगे, उसके सिंपली इसका भी जितना तक पार्ट चाहिए उतना तक हम लोग ले लेंगे। तो फिर से हम लोग लेयर को ऊपर टच करेंगे, उसके बाद बॉक्स में टच करके कॉपी लेयर, उसके बाद सिंपली फिर से बॉक्स पेस्ट लेयर कर देंगे। उसके बाद सिंपली इसका एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोग ऐसे करके कट करने के लिए लेयर ऊपर टच करके इसको कट कर देंगे, मैंने कट कर दिया। करने का सिंपली इसको भी नीचे साइड ऐसे करके लेकर आ जाएंगे। जैसे तुम ऐड हो चुका है जो मैंने बार वाला वीडियो को बोला था, बहुत अमेजिंग बन चुका हम लोग का वीडियो गाइस। तो अभी आप लोग जो वीडियो को फ़ोन के अंदर सेव करोगे कैसे करोगे आप लोगों को तो मैं बता देता हूँ। और आप लोग कुछ भी चैनल लोगों नेम लोग ऐड करना चाहते हो, प्लस आइकन में टच करना, इमेज वीडियो ऑल व्यू, उसके बाद सिंपली आप लोग एक लोगो का आप लोगों का जो भी है ऐड कर लेना। तो मैं मेरा चैनल लोगों को ही ऐड कर लूँगा, तो आप लोग कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैं सिंपली इसको जितना तक वीडियो उतना तक लेंगे इस आइकन में टच करके गाइस। उसके बाद सिंपली इसका लास्ट तरफ भी इतना तक चाहिए हम लोगों को, फर्स्ट तरफ सॉरी, इसको भी इतना तक ले लिया। लेने का मूवमेंट उसको जाके सेकंड में टच करके इसको ऐसे करके छोटा करके हम लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके एक कोने से हम लोग बिठाएंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपली इसके अंदर इफेक्ट दे देंगे,
ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी, उसके बाद सिंपल कॉन्ट्रास्ट के नीचे जो आइकन है इसके ऊपर टच करें, उसके सिंपल इसके एक नंबर पर सेलेक्ट कर दीजिए। ऐसे तो ऐड हो चुका है। उसके बाद सिंपल आप लोग वीडियो को फ़ोन के अंदर सेव करने के लिए जहाँ पे जाओगे इस आइकन में आप लोग टच करना। उसके बाद सिंपल आप लोगों को यहाँ पे क्वालिटी आप लोग चेंज कर सकते हो वीडियो के आइकन के सीधा जो एक एरो शो कर रहा है उसका। सिंपल यहाँ पे आप लोग फ़ोन के हिसाब से रेशियो अभी सिलेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग 60 FPS पे कर सकते हो, मैं सॉरी 70:20 पे कर सकते हो और HD पे भी कर सकते हो। तो मैंने इसको कर दिया। उसके बाद इसमें पे फुल पे रख के हम लोग एक्सपोर्ट पर टच करा देंगे, एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा गाइस। उसके बाद एक्सपोर्ट होने के बाद आप लोगों के पास एक ऑप्शन आएगा सेव बोल करके, उसके ऊपर आप लोग क्लिक कर दोगे तो वीडियो आप लोगों के गाइस फ़ोन के अंदर सेव हो जाएगा। ओके ऑलराइट गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा ना वीडियो को लाइक कर देना और गाइस हो सके तो वीडियो को फ्रेंडों से शेयर भी कर देना। सो गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बाल का बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर देना। सो गाइस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग ऑल। बाय।